गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे एंड अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हो रहे हैं सुबह के 5:35 और हम हो गए रेडी, क्योंकि सुबह आज जाना है हमें गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली। और अभी स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ से फिर देखते हैं कितना आगे कैसे जाना है। और अभी दिल्ली काफ़ी टाइम बच जा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जा नहीं पा रहे थे, अपने सिटी में ही थे। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है, फिर ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन पहुँचते हैं फटाफट, रेडी होते हैं। तो दोस्तों, पावर बैंक ले लिया, पावर बैंक हमारा फुल चार्ज है एंड घड़ी भी हमारी कंप्लीट 26% चार्ज हो गई है। और अभी फाइनली निकलते हैं, बाबा जी को मथा टेक के। सो दोस्तों, देख रहे हो अभी समय अंधेरा हो रहा, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गया है और अभी इतना अंधेरा हो रखा है और काफ़ी ठंड हो रखी है। निकलते हैं, अभी स्टेशन पहुँचते हैं अंधेरे में और फिर दोस्तों फाइनली स्ट्रगल के बाद ट्रेन पकड़ ली है। 1-2 मिनट की गैप थी बस, कुछ भी वक्त चल रही होगी, बिल्कुल फाइनल वो ट्रेन पकड़ी है। थैंक्स टू गॉड कि मिल गई फाइनली ट्रेन, अब चलती है तो आगे मिलते हैं। तो सफ़र का मज़ा तो इस सुबह सुबह के सफ़र में आता है। धुंध देख रहे हो कितनी गंदी वाली धुंध है, मतलब मौसम इतना अच्छा है, ठंड, ठंडी ठंडी हवा एंड खेतों में खेत ही खेत। सफर का मज़ा तो यहाँ आता है, हरियाली। सिटी में तो हरियाली रही नहीं यार, अब सिटी में तो हर जगह बिल्डिंग, हरियाली कहीं बहुत कम जगह बची हरियाली। बट यहाँ देखो खेतों में खलिहानों में देखो, काफ़ी अच्छा लगता है ना यार। दोस्तों, ये सामने से एंट्री है यहाँ की गुरुद्वारे की, यहाँ पर जल सेवा चलती रहती है सुबह शाम तक। और ये मेन एंट्री गुरुद्वारे के लिए, ऊपर अभी ऊपर चल के दिखाएंगे आपको। मज़ा आता है जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, अलग सुकून है। और ये लंगर हॉल, एसी लंगर हॉल है जहाँ पे दोपहर से लेकर शाम तक लंगर चलता रहता है। सो अभी मथा टेकने चलते हैं, उसके बाद आगे का दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों, फाइनली जोड़ा घर में शूज़ सबमिट करते हैं, उसके अलग सेवा है यहाँ पे। पूरा एक अलग से बना हुआ है। तो फाइनली ये है मेन एंट्रेंस गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे के अंदर जाते हुए काफ़ी नसीबों से मिलता है यार ये जाना, यहाँ आना हर एक के बस की बात नहीं है। सतनाम श्री वाहेगुरु। सो वो मेन गेट है, वो सामने एक मेन गेट है, वहाँ से भी एंट्री होती है। यहाँ प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद की स्लिप। ये एंट्री है गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए, गुरुद्वारे साहब के अंदर, सॉरी। और कुछ ऐसा दिखता है गुरुद्वारा साहब अंदर से, वो बाहर से, सॉरी। अभी अंदर से भी दिखाते हैं आपको, ये लुक है फ्रंट से, बहुत ही प्यारा सुकून की जगह। सबको जल चढ़ाते हैं जी। ये म्यूजियम गुरुतेग बहादुर जी की जीवनी पर चित्र। तो फाइनली ये है मेन एंट्रेंस गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे के अंदर जाते हुए काफ़ी नसीबों से मिलता है यार ये जाना, यहाँ आना हर एक के बस की बात नहीं है। सतनाम श्री वाहेगुरु। सो वो मेन गेट है, वो सामने एक मेन गेट है, वहाँ से भी एंट्री होती है।
यहाँ प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद की स्लिप। ये एंट्री है गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए, गुरुद्वारे साहब के अंदर, सॉरी। और कुछ ऐसा दिखता है गुरुद्वारा साहब अंदर से, वो बाहर से, सॉरी। अभी अंदर से भी दिखाते हैं आपको। ये लुक है फ्रंट से, बहुत ही प्यारा, सुकून की जगह। सबको जल चढ़ाते हुए जी, ये म्यूजियम गुरुतेग बहादुर जी की जीवनी पर चित्र प्रदर्शन। हर एक फोटो के साथ कुछ दिल उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। गुरुद्वारा साहब के बारे में अमृतसर,
सरोवर साहब यहाँ पे स्नान किया जाता है, अभी स्नान भी करेंगे। तुम वाला मंगाओगे, वो बटन वाला होता है। हाँ तो वही तो है। सो फ्रेंड्स, अभी हम गुरुद्वारा साहब के अंदर मत्था टेक के आ गए हैं, और क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ इशू हो गया था, फ़ोन ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा पज़ल हो गए थे हम लोग। फ़ोन अभी विस्तार ब्लॉग में फ़ोन से शूट करता हूँ, तो अभी मैंने फ़ोन टेक कराया एंड दोबारा अगेन ऑन किया है, तब जाके मेरा फ़ोन ऑन हुआ। एंड उसके बाद अभी मत्था टेक के आए थे, तब मत्था टेक आए थे एंड अभी से बस ये जो आपको सभी दिखाया था लंगर हॉल, यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब वापसी अपना घर की, और मिलते हैं आप लोगों से और फिर अपडेट होता दिखाते हैं। अदरवाइज मेरा व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर कल। ओके, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो बहुत सारा, बाय बाय।